आज का वीडियो शुरू करते हैं इस क्यूट बेबी के साथ। स्वागत करती हूँ तनु 45 ब्लॉग चैनल में। तो आज मैं पहली बार तिल और गुड़ का लड्डू बनाने जा रही हूँ। ये मकर संक्रांति के दिन स्पेशल बनती है। माँ कहती है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आज मैं पहली बार बना रही हूँ। देखती हूँ कि मुझसे बनता है कि नहीं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट पर क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है। और लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, तिल का लड्डू बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहली बार बना रही हूँ इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। 50 ग्राम तिल लिया है और 50 ग्राम गुड़ लिया है। जितना तिल लिया है उतना ही गुड़ लिया है। तो सबसे पहले गैस स्टोव के ऊपर मैंने कढ़ाई को रख दिया है और गैस को ऑन किया है। कढ़ाई में हम तिल को डाल देंगे। कढ़ाई की गर्म होने की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस तिल को डालते ही गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। हमें इस तिल को रोस्ट कर लेना है। सात आठ मिनट तक उसमें रोस्ट करेंगे। तो अभी तिल का कलर चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब कि तिल रोस्ट हो चुका है, भुन चुका है। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और अलग रख दूँगी। इसी कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच पानी डालूँगी और गुड़ को डाल के पकाऊँगी। ज़्यादा नहीं पकाऊँगी और एक बर्तन में पानी ला के चेक करूँगी कि बीच बीच में हुआ कि नहीं। गुड़ ज़्यादा नहीं पकाना है, मीडियम पकाना है। ज़्यादा पकाने से तिल थोड़ा हार्ड हो जाता है, खाने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा ही पकाना है। चलो एक पानी, देखो एक बर्तन में मैं पानी ला के चेक कर रही हूँ कि गुड़ कितना हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे डाल के ऐसे चेक करने से पता चलता है, तो उन्हें और थोड़ा अभी देखूंगी कि हुआ कि नहीं। हाँ अभी हो गया है। अभी मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी, उसके बाद मैं तिल को गुड़ के ऊपर डालूंगी। तो चलो अभी मैं डालती हूँ गुड़ के ऊपर तिल को, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। एक साथ डालने से चलाने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। ऐसे डालने से अच्छी तरह से मिल जाता है तिल और गुड़। तो अभी मैं गुड़ और तिल को अच्छी तरह से मिला लूँगी। उसके बाद हाथ में थोड़ा ऑयल लेके मैं लड्डू बनाऊंगी।
तो देखती हूँ कि बनती है कि नहीं, कैसे बनती है। गरम गरम बनाना पड़ता है, तो तिल और गुड़ अच्छी तरह से मिल चुका है। अभी मैं एक थाली में थोड़ा ऑयल तो मैं अभी हाथ में थोड़ा ऑयल लेके लगा रही हूँ। बहुत गर्म है, मैं पकड़ भी नहीं पा रही हूँ। देखो हाथ जल जा रहा है। मेरी माँ बहुत अच्छी तरह से बनाती है। माँ बनाती है तो मुझे लगता था कि नहीं बहुत आसान है, मगर नहीं, बहुत प्रॉब्लम होता है तिल का लड्डू बनाना। मैं बना ही नहीं पाई, जितना हुआ उतना ही थोड़ा थोड़ा करके किया, जब ठंडा हो गया तो और लड्डू बना नहीं। तो ऐसे करके मैं छोटा बड़ा जैसा हो मैं बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा। तो देखो मुझसे कैसी तिल का लड्डू बना। मैं अच्छी तरह नहीं बना पाई, पहली बार बना रही थी। मेरी माँ बहुत अच्छी तरह से बनाती है, पूरा गोल गोल। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन को क्लिक करना ना भूले, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो मेरे जब भी आए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो देखो मेरा कैसा लड्डू बना है। आज का मेरा लड्डू बनाना कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी आए आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।